हेलो वालेकुम स्टूडेंट वेलकम बैक टू द इंजीनियर एक्सपर्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर एंड स्केलर्स आज के जो लेक्चर में हम स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में जो है पास्ट एम्स यूज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पास में जो है एन टी टेस्ट में किस लेवल के क्वेश्चन इन चैप्टर में से निकाले जाते हैं और इनका सॉल्यूशन क्या होता है यहाँ जो मोस्ट रिपीटेड एम सी यूज होते हैं उनको डिस्कस करेंगे तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ताकि आप जो है पहले से ही एनालाइज कर सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप एंड तक देखिए और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि व्हाट इज द स्केलर बेसिक क्वेश्चन है सबसे पहले कि स्केलर हम किसको बोलते हैं तो ऑप्शन ए है अ क्वांटिटी विथ ओ ओनली मैगनीट्यूड ऑप्शन बी है क्वान्टिटी विनली डायरेक्शन विध बोथ मैगनीट एंड डायरेक्शन एंड डी ऑप्शन है क्वान्टिटी विदाउट मैगनी ट्यूड तो हमें पता है कि इसके लिए हम उसको बोलते हैं जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो है ए सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी है क्या स्केलर कोटिटीज वन हु हैज़ ओनली अ मैग्नीट्यूड फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है मास है वॉल्यूम है वर्क है एनर्जी है टाइम है ये सारी क्वान्टिटीज़ ऐसी हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है इन सारी क्वान्टिटीज़ को हम जो है स्केलर uh, बोलते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज व्हाट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी अब वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है तो अगेन ऑप्शन दिए हुए ए है अ क्वान्टिटी विथ ओनली मैग्नीट्यूड ऑप्शन बी है क्वांटिटी विथ ओनली डायरेक्शन सी है क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्वान्टिटी विदाउट डायरेक्शन तो हमें पता है कि वैक्टर क्वान्टिटी वो होती है जिसमें जो है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें होती हैं दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं हम उस क्वान्टिटी को हम जो है वो बोलते हैं वैक्टर क्वान्टिटी है Uh, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि वेक्टर क्वांटिटी इज वन व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अनलाइक स्केलर इट कैन आल्सो टेल द डायरेक्शन इन व्हिच द क्वांटिटी इज एक्टिंग फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटीज आर फोर्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ईटीसी ये सारी चीज़ें जो हैं वेक्टर uh, क्वांटिटीज में एग्जिस्ट करती हैं तो ये कुछ बे, बेसिक थे कि पहले आपको कांसेप्ट हो कि वेक्टर और स्केलर क्या होती हैं तो काफ़ी टाइम्स जो है ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं काफ़ी uh, जो है uh, यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट में आपने

अब इसका एक्सप्लेनेशन आप देखें कि ओनली ऑपरेशन वैलिड फॉर द स्केलर एंड वेक्टर आर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय अ स्केलर अब वेक्टर जो है किसी स्केलर क्वान्टिटी का सिर्फ हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं अदर ऑपरेशन लाइक एडिशन एंड सबट्रैक्शन आर नॉट वैलिड फॉर स्केलर एंड वेक्टर मींस हम किसी भी वेक्टर में स्केलर क्वांटिटीज को ऐड और सबट्रैक्ट नहीं कर सकते सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवीजन कर सकते हैं हम क्स्ट यूज हैडिशन समय पता है एड करते हैं तो उसका जो resist, हमें मिलता है तो उसको हम बोलते हैं रिजल्ट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिजल्ट और इसका एक्सप्लेनेशन भी है रिजल्ट इज दर विच इज आप ग्राफिकल मेथड के जरिए भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं दूसरा एनालिटिकल मेथड मीनस मैथामेटिकल टूल्स यूज करके अगेन आपको जो है वेक्टर्स के जो सारे टाइप्स हैं जैसे पोजिशन वैक्टर है नल वैक्टर है और दूसरे वैक्टर्स हैं इनके जो है डेफिनेशन इनका जो है जो है स्ट्रक्चर जैसे यूनिट वैक्टर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम इनके डेफिनेशन या इनके कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो ताकि आप इजीली इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें अब नेक्स्ट क्वेश्चन मास इज अ स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी रिलेटिव क्वांटिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी अब हमने डिस्कस किया कि स्केलर स्केलर वो होती है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो तो मास ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है तो मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी तो इसका करेक्ट आंसर है ए uh, अब एक्सप्लेनेशन भी दिया मास रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी अब मास क्या है अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी होती है इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है बट ओनली मास सो इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी तो इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है कि आप इसको स्केलर क्यों बोलते हैं अब नेक्स्ट टाइम है द ऑपरेशन यूज्ड टू ऑब्टेन अ स्केलर फ्रॉम टू वेक्टर इज अब जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं स्केलर का दो दो वेक्टर्स के साथ तो हमें जो ऑपरेशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं द ऑपरेशन यूज टू ऑपर स्केलर जब हम दो ऑपरेशन करते हैं वेक्टर्स के बीच में और हमें रिजल्ट में स्केलर मिलता है Uh, तो हम उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं जैसे हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई uh, कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं सबटेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल तो हमें स्केलर मिल रहा है तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं तो ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट तो करेक्ट आंसर इसका होता है डॉट प्रोडक्ट जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसी भी दो वैक्टर्स की तो हमें जो क्वान्टिटी मिलती है या जो इनका आंसर मिलता है वो एक स्केलर क्वान्टिट्टी होती है अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लें डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर गिव्स अ स्केलर क्वान्टिटी जब भी हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसी भी दो वैक्टर की करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है एज आउटपुट क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अ वेक्टर एज आउटपुट जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो भी वेक्टर मिलता है मीनस क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का आउटपुट भी दो वैक्टर uh, जो है क्वान्टिटी जो मिलती है वो वैक्टर ही कहलाती है इट इज़ आल्सो नोन एज अ स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी uh, बोलते हैं अब नेक्स्ट एम सी यूज ऑपरेशन विच डज नॉट गिव यू अ वक्टर एज एन आउटपुट फ्राम टू वैक्टर इनपुट इज अब जब है हमें पता है कि कौन सा दो ऑपरेशन जब वैक्टर पे करते हैं तो हमें जो है आउटपुट uh, पे वक्टर नहीं मिलता वो अभी हमने प्रीवियस एम सी यूज में देखा कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसी दो वैक्टर्स की तो हमें स्केलर मिलता है वैक्टर नहीं मिलता तो इसका करेक्ट आंसर अगेन डॉट प्रोडक्ट होगा क्योंकि हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें आंसर में जो है स्केलर uh, क्वांटिटी मिलती है नेक्स्ट एम्स यूज है कि इसका uh, जो है एक्सप्लेनेशन है वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन गिव्स एज अ वेक्टर इज आउटपुट क्रॉस प्रोडक्ट आल्सो गिव्स अ वेक्टर इज आउटपुट ओनली डॉट प्रोडक्ट गिव्स स्केलर आफ्टर एडिंग एट एक्टिंग टू वेक्टर्स हमें सिर्फ जो है डॉट uh, प्रोडक्ट जो है आउटपुट uh, पे स्केलर क्वान्टिटी प्रोवाइड करती है नेक्स्ट एम्स जो है इनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल थी काफ़ी इजी रखी हुई थी हमने कि आप देखेंगे बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं काफ़ी टाइम आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं और आप जो है बेसिक क्वेश्चन आपके तरफ जो है मिस हो जाते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बेसिक के बाद जो है कॉम्प्लेक्स लेवल पे आप जा सकते हो कि उनके क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर सकते हो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने पास एम्स यूज या पास पेपर्स में से उठाए हुए थे और उनमें से भी काफ़ी मैंने इजी उठाए हुए थे नेक्स्ट जो है हम वीडियो में इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन देखेंगे लेकिन थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे जो आपको जो है ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्सिटी में लाएंगे ताकि आप जो है उनको सॉल्व करें और आपको concept of the entities so, till then uh, thank you so much thank you so much for watching